एसएसपी जोगिंदर कुमार द्वारा बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन परिसर में क्यूआरटी टीम को ब्रीफ किया गया। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान वर्दीधारी एक सिपाही को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक सच्चे देशभक्त की तरह वेल मेंटेन रहना चाहिए। पुलिस के हर जवान का बाल छोटा होना चाहिए। पुलिस मैनुअल के हिसाब से ही ड्यूटी पर जवानों को दिखना चाहिए। जवानों को कर्तव्य के बारे में पूछते हुए ड्यूटी की जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्हें सचेत करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। उनके डंडा, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, टीयर गैस, गन, चिली, बम टीयर, गैस 3-in-1 कार्टेज आदि चेक किया। साथ ही मौजूद सभी क्यूआरटी एक्शन एवं कोबरा मोबाइल के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने तथा ड्यूटी पॉइंट पर गाड़ी से नीचे उतरकर संदिग्ध व्यक्ति एवं संदिग्ध वाहन चेक करने और उन पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तु, आरआई लाइन उमेश दुबे मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, कितने सिपाही हमारे यहाँ लाइन में, तुम्हारे हम लाइन में सिपाही मांगे तुम कितने दे दोगे? वो सर ये 50-60 हमारे पास हैं सर। 50-60 नहीं, इसके अलावा मांगे तो? इसके अलावा मांगेंगे तो मत वाले मिल जाएंगे, सलामी वाले मिल जाएंगे सर, मतलब 10-20 आदमी। और कितने मिलेंगे? हाँ सर, ये जूते सब चलते जी आर पी में तुम्हारे यहाँ कितने चलते? भीगने वाले दिए हैं वो तो भीगते नहीं है। एक तो ये जो गुलाब इनको इधर, ये जूते पहने हुए हैं हमारे चंद्रमा जी, चंद्रमा सिंह यादव साहब ने ये जूते पहने, मतलब पुलिस की कहाँ बेइज्जती करते हो तुम? वर्दी सरकार ने दी है पहनने के लिए, आप लोगों ने मेहनत करके इस वर्दी को हासिल किया है, तो हम ये जूते पहनेंगे? ये जूते तो जो पुलिस में नहीं है वो पहनते हैं, या तो पुलिस में रहो मत, अगर रहो तो कम से कम वो जूते तो सही पहनो। वर्दी आपकी शान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, आधे से ज्यादा उसके बाल कटे हुए रहने चाहिए। फिर मैं दंडित करूंगा, फर्स्ट टाइम में चेतावनी दे रहा हूँ पुलिस लाइन में। अरे साहब ये नोट कर लीजिए, आपके SIAP कितने हैं? 5। ये देखने का काम आपका है, मेरा काम नहीं है कि मैं जूते देखूँ लोगों के चलते। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर इसको QRT करवा, ये सभी लोगों को इसलिए मोटरसाइकिलों के बीच घुसे हुए हैं, हमारे को गर्मी तो लगी नहीं भाई, ऐसा थोड़ी धूप में हम भी कट रहे हैं। और अगर छाए में खड़े रहे इतना शौक था तो गाड़ियों को ठीक करते पहले, फिर छाए में खड़े तो हमें तकलीफ नहीं। पर पुलिस वाले पुलिस की तरह खड़े तो रहे भाई, अगर लाइन में आपकी हालत है तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या हालत होगी फिर आपकी जाने के बाद? आप लोगों को कितनी QRT है? 600। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी ड्यूटी पे जाए बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और डंडा अवश्य हो। इनके पास किसी के पास बॉडी प्रोटेक्टर नजर नहीं आ रहा मुझे। सील सब सील सभी लोग बॉडी प्रोटेक्टर पहन के आए। ये QRT का काम ये, आप लोग सभी लोग लाइन में रहते, सभी लोग लाइन में रहते यहीं इसलिए पहनते हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर, अनिवार्य से पहना होना चाहिए अपने पास। और जब भी जरूरत पड़ती है समय से यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। आपकी पूरी लिस्ट दीजिए मुझे रिजर्व की, पूरी बात समझ रहे, कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए उसमें। पूरा लिस्ट मुझे अभी बना के दोगे आप, महिलाओं के कितने सिपाही हैं, पब्लिक बाकी पुलिस के कितने सिपाही हैं, जरूरत पड़ने पर हम बुलाएंगे या काम पड़ने पर हमें यूज करना कर सकता है। ये हमारे पुलिस लाइन के हम लोग ऐसे भ्रमण कर रहे थे, तो पुलिस लाइन में हम लोगों ने 6 QRT बना रखी है, जो जरूरत के समय हम लोगों को रिजर्व है। उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अनुशासन में रहें और ड्यूटी पर हर समय मौजूद रहें, अच्छी तरह से ड्यूटी करें, बॉडी पर हेलमेट डंडा पहन के रखें और ज़रूरत होने पर समय से और सही समय से पहुँचें, और समय से पहुँचें जैसे ही उच्चाधिकारियों का आदेश हो उसके आधार पर समय से मौके पर पहुँचें। इस तरीके के जो जनरल निर्देश है वो दिए गए हैं। थैंक यू।
दौरान लाइन में खड़ी गाड़ियों को भी लाइन में अनुशासन दिखाई देना चाहिए। ये आरआई की जिम्मेदारी है कि लाइन में अनुशासन दिखाई देना चाहिए, और अनुशासन आरआई और एसआईएपी जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरह से गाड़ियां खड़ी है यहां पर या अन्य चीज़ें हैं, तो अनुशासन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और पुलिस का अनुशासन लाइन से शुरू होता है। इसके लिए हमने आरआई को निर्देशित किया है कि जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं उसकी पार्किंग एक फिक्स जगह होगी, वहां खड़ी करें। इस तरह सड़क पर हर गाड़ी खड़ी नज़र आए, और अनुशासन एक बना रहना चाहिए। उस अनुशासन के तहत आरआई को हमने निर्देशित किया है। पहली बार है तो चेतावनी दी गई है, और सब चीज़ें ठीक करेंगे हम लोग। थैंक यू।